विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इन्द्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्य, त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान हनुमंत संत हितकारी सुन लीजय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न कीजय आतुर धौरी महा सुख दीजय जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता नि रखी परम पद लीन्हा पादु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरहि मारो वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरहि मारो महाराज प्रभु दासु बारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा
पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही आए परो करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर इन्हें मार दो शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय जय धनी होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहरावो उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे देह के कारज सकल सुबह सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमम् वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाधा नाशक मंत्र। शत्रु मर्दिनी ओम त्वमेव साक्षात् शत्रुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अंबिका देवी ओम त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुसूदन ओम त्वमेव साक्षात् मधुसूदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तारकासुर संहंत्री ओम त्वमेव साक्षात् तारकासुर संहंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निशुंभ शुंभ संहंत्री ओम त्वमेव साक्षात् निशुंभ शुंभ संहंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा माता जगदम्बा ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री रक्षाकरी ओम त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसग्नि ओम त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुंडा ओम त्वमेव साक्षात् श्री चामुंडा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुकैटभ हंत्री ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभ हंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकांतक ओम त्वमेव साक्षात् नरकांतक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय ओम
त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वासुर मर्दिनी ओम त्वमेव साक्षात् सर्वासुर मर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व बाधा विनाशिनी ओम त्वमेव साक्षात् सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व असत्य गुरु मर्दिनी ओम त्वमेव साक्षात् सर्व असत्य गुरु मर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व भयहारिणी रुद्र रूपा ओम त्वमेव साक्षात् सर्व भयहारिणी रुद्र रूपा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में आज हम सभी सामूहिक हैं। देश काल परिस्थिति सबसे पहले श्री माता जी से विनती है कि श्री माता जी हम सभी सत्य साधकों को वो स्थान प्रदान करें जिसके लिए हमें आत्म साक्षात्कार का वरदान मिला। माने पृथ्वी पे अवतरण लिया, मनुष्य को समझा, उसके अहंकार को समझा, उसकी स्वतंत्रता को समझा और उसके बाद कुंडलिनी जागरण जो लगभग असंभव कार्य था उसके लिए माने 5 मई 1970 को ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोल के अपनी सहस्त्रार के माध्यम से चहु और परम चैतन्य फैला दिया जिससे साधकों को ये प्राप्त हो सके। उनकी माँ कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र का भेदन करे तो ब्रह्मरंध्र से परम चैतन्य उनके भीतर बह सके। श्री माता जी के ऐसी अनुपम कृपा वरदान को प्राप्त किए हुए सभी सत्य साधक जो इच्छुक है वो स्थिति पाने के लिए जो आज यहाँ उपस्थित है सामूहिक है, आप सभी को मेरा साधन नमन। सबके भीतर जागृत आत्मा को मेरा साधन नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम अमृतवाणी सुनेंगे जिसमें माँ ने ये माँ के
कुछ इंटरव्यूज हैं जो उन्होंने कुंडलिनी जागरण के विषय में बताया कि किस प्रकार से कार्य करती है, हमारे भीतर क्या परिवर्तन आते हैं और कितना सरल और सहज है ये प्राप्त करना जिससे परम चैतन्य से योग हो सके। आइए एकदम निर्विचार होके, निष्क्रिय होके, एकदम हाथ पैर ठेले छोड़ के, दिल दिमाग तैयार करके, एकदम ढीला और तैयार समर्पण के लिए आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। Yes, of course you can be, but then you have to tell them what it is. This thing is better to do that way. But there will be very few who will accept such a situation because they want to know about everything. But they need not know all that. You can little bit say, talk, tell them that there is a way of getting realization. And then it's like this, that when you come to me, you want to have the lights, I'll say, all right, go. There's a switch you put on. And you put on the switch, you get the lights without telling about it. But you would like to know how this light is done. And then that helps you to create other lights. That's why it is important to know about Kundalini. I can do it without telling you anything about Kundalini, I can raise your Kundalini, but you would not know anything about it and you would not know what it is. It has happened with many who were born realized. They did not know they were realized souls and they got lost. Like I would say, greatest example, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was a realized soul and he got lost because he didn't know he was a realized soul, he was a higher personality than others, he got lost. So many got lost like that. Kundalini was arisen, and you said, how could you be lost? I mean, you haven't, so how could you be lost? How can you be lost if the Kundalini has been awakened? No, it is. Because, you see, it is, you are not yet fully developed, matured person. When you are in an immature state, it does happen. Kundalini, is, when it rises, you'll be surprised. In some people, it is just a wee bit, just like a hair, just comes up a little, because it's so difficult, you see. The passage is so blocked. So a little bit comes up. This is what it is. It is a complete realization takes place only when you are nirvikalpa samadhi. That's a higher state. So in the beginning it just a little wee bit opens up. And 1% people do get lost. They do, because they have egos, they have super egos, or all kinds of things, they do get lost. So be careful. How and where did you receive the power to awaken the Kundalini? Me? How and where did you receive the ability to awaken the Kundalini in them? I had it, born with it. One can be born with it. But I realized that to give amas realization, seventh center has to be open, first of all. That I did on the 5th of May, 1970. And then I realized that with this happening, one can achieve amas realization. But till that time, I had to understand human beings. So, by my subtle methods, I tried to understand what was their problem, what chakras they had in trouble, how I have to work out the permutations and combinations in such a way that amas realization can be achieved. So this amas realization, I started from that day. Before that, I did not speak about it. Because what's the use of another Bible or another Gita? Better to achieve the results. Unless and until human beings realize that there are higher stories of awareness within them, whatever you may tell them, they are not going to
understanding. So first it must be done. They have to realize that there are higher awareness states which we have to achieve, which we have achieved. And then they can go further. My father himself was a very great evolved soul. And he told me that those who are born on the 10th story shouldn't talk about it. They should come down and try to raise the people at least to the first or second story so they realize there are stories beyond. Because if they just talk about the 10th story, people will think they are crazy or they'll crucify them. They'll never understand. That won't be practical. But it took some time to understand human beings. They are very complicated people, must say. Not easy. What did you say? In your discourse, you referred to the Kundalini as she. Is that because you are a woman? No. She is the female side. See, she's the Shakti, she's the female side. That's why the quarrel about women and men is all falsehood. There's nothing like that. They exist together. It's like the moon and the moonlight. It's like the sun and the sunlight. It's like the God and the Kundalini. It's like the word and the meaning. It is all pervading power, all right? No. When the Kundalini rises, what she does, she enlightens our subtler side of our nerves, our brain and everything. She enlightens. And by that we start feeling it. It's the enlightenment that we get because of her connection with the all pervading power. It exists, already it exists. But you cannot feel it normally. When she rises, then your nerves are so enlightened that you can feel it. All right? You might be already getting it, I think so. He's asking about any dangers of Kundalini meditation. No, not at all. Not at all. She is your mother. She is your individual mother. Who gives you your second birth? She knows everything about you. She has recorded everything and she does it very gently. See, when you were born, your mother took all the pains upon herself, isn't it? And in the same way, this Kundalini does the job. But people are frightened because perhaps maybe they don't want... It's an evil force, I think, those who are frightened against Kundalini because they don't know how to do it. Or maybe they don't want people to achieve their realization. I can't understand. Those people, as I was telling you today, in the 16th century, Guru Nanak, then Kabira, and all these others, Ramadasa, Tukarama, all of them, nobody has said it's dangerous. On the contrary, Ramadasa was asked, how much time does it take for Kundalini? Rise. He used the word in Sanskrit, tatkshana, that's the moment, that moment, he said, tatkshana, that moment. So, but he said, there's a condition, the one who wants should be anxious to have it, and the one who gives should be an authority. Not authority from some university or anything, but authority in spirituality. Yes? Yes? In activating the Kundalini within the body,
can it only be done in the position that's posted on that sheet there, or can it be done standing or in other positions? What is it? The Kundalini Jagran ke liye baithna zaruri hai ya khade hoke ya kisi aur position mein bhi jagrat ho jayegi? No. You see, it is all right, you can do it. But why do all that? You have to be comfortably sitting in your chair and you will get your realization. You don't have to go to Himalayas to stand on your head. It's just simple. Jai Shri Mata Ji. आशा हम सभी ने माँ के इन प्रश्नोत्तरों का सार समझा होगा कि किस प्रकार से इस जन्म में श्री माता जी के अवतरण के द्वारा और उनके अथक प्रयासों के द्वारा मानव अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सका। उसके बाद परम चैतन्य से उसका योग हुआ जो चारों तरफ फैला हुआ। कुंडलिनी शक्ति उन जीवात्माओं में, उन मनुष्यों में बहुत सरलता से उठ जाती है जिनके जन्मों जन्मों की पुण्याई है, कुछ समय नहीं लेती। मानव एक जटिल यंत्र है, अहंकार प्रति अहंकार कुंडलिनी शक्ति को उठने में रोकते हैं। और श्री सदाशिव के द्वारा मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता है, वो जिस भी मार्ग पे चले, जो भी करे। इसी कारण कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बाद भी वो उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता, दिग्भ्रमित हो जाता है। हमने पहले भी एक अमृत वाणी सुनी कि किस प्रकार से हमको वो स्थिति प्राप्त करनी है जिसमें हम निर्विकल्प में पहुंच सके। उसके बाद सब कुछ स्वतः ही होता है और अहंकार प्रति अहंकार बार बार फूलता नहीं और कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र से लगातार ऊपर तनी रहती है। अपरम चैतन्य से उसका योग संपर्क निरंतर बना रहता है और हम उस अवस्था में ईश्वर के यंत्र बन जाते हैं, ईश्वर के द्वारा चालित यंत्र। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ये हमारे बाएं हृदय में स्थित आत्मा को प्रकाशित कर देती है। आत्मा के प्रकाशित होते ही हमारा चित्त जो अब तक भवसागर में फंसा था, लिवर के आसपास था, वो हमारे हृदय में आ जाता है। और जैसे ही वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है, एकदम हल्का हो जाता है और फिर ये चित्त यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस के गोल रहस्यों तक भी पहुंच सकता है। हमारे सातों चक्रों को पार करके, शरीर के ऊपर के चक्रों को पार करके ये आकाश में पहुंचता है और वहां से परम चैतन्य की निरंतर वर्षा होने लगती है। आइए अपने चित्त को अपने बाएं हृदय में रखें और माँ से प्रार्थना करें। माँ, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं, सिर्फ एक आत्मा हूं। कृपा करके इस आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। माँ, मेरे चित्त को प्रकाशित कर दीजिए, मुझे साक्षी स्वरूप प्रदान कीजिए, मुझे आत्मा का अनुभव प्रदान कीजिए।
चित्त को पूरी तरह से बाएं हृदय में रखेंगे और आत्मा को ढूंढेंगे। अब धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में सभी देवी देवता श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान विराजित है। श्री गणेश जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे श्री गणेश मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न कर दीजिए। आप सृष्टि के चारों ओर विद्यमान हर कण में, मेरे हर चक्र में आप ही हैं, परम चैतन्य भी आप ही हैं। कृपा कीजिए और जागृत हो जाइए, मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न कर दीजिए। अब अपने चित्त को श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, श्री कार्तिकेय जी मेरे दाएं मूलाधार को स्वच्छ कर दीजिए, सभी राक्षसों का दमन कर दीजिए, वध कर दीजिए। पूरा चित्त दाएं मूलाधार पे श्री कार्तिकेय जी को महसूस करेंगे। अब अपने चित्त को फिर से मध्य हृदय में लाएंगे, श्री भैरवनाथ जी से विनती करेंगे, बाई नाड़ी पे चित्त रखेंगे। श्री भैरवनाथ जी आप ही सभी तांत्रिकों का वध करते हैं, कृपा कीजिए और श्री महाकाली की कृपा से आप मेरे अंदर सारे रोग दोष विकार आलस्य अगुरु को गुरुओं का प्रभाव नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। अब अपने मध्य हृदय में श्री हनुमान जी से विनती करेंगे, चित्त दाई ओर रखेंगे। हे राम भक्त हनुमान कृपा कीजिए, आदिशक्ति के सेवक हनुमान कृपा कीजिए और मेरे शरीर के दाएं भाग में सभी रोग दोष विकार भूत बाधाएं पिशाच सबको नष्ट कर दीजिए। अपने आकाश तत्व में ले जाकर मुझे निराबाधा बना दीजिए। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, फिर से माँ जगदम्बा समस्त शक्तियों के साथ सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विराजमान है। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ अम्बे, हे माँ पराम्बे, माँ निर्मला जागृत हो जाएगी, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान कीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। धीरे से अपने चित्त को विशुद्धि चक्र में लाएंगे, पूरा गले के अंदर घूमेंगे, अपने गले को ढूंढेंगे, देखेंगे बंद आंखों से, यहाँ विराजते हैं श्री राधा कृष्ण। विशुद्धि चक्र नमन करेंगे, अपने ही भीतर जाना है, आज्ञा चक्र पे आएंगे, सबको क्षमा, हे प्रभु मैंने सबको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
चित्त को ब्रह्म रंध्र पे लाएंगे। श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे आदि शक्ति कृपा कीजिए। सहस्त्रार स्वामिनी माँ निर्मला मेरी सहस्त्रार को पूरी तरह खून दीजिए, जिससे इसमें परम चैतन्य बह सके, पूरा चित्त सहस्त्रार के अंदर हेमा निर्मला हेमा आदि शक्ति आप तो प्राइमोडियल पार है, आप ही वो आदि शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया, पंच तत्व का सृजन किया। हेमा आदि शक्ति आपने ही मेरे चक्र बनाए, उन्हें जागृत के कृपा कीजिए और मेरे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि आपकी ब्रह्मांड में फैली चराचर की शक्तियों को ये प्राप्त कर सके, योग कर सके, योग कर सके। चित्त को ऊपर उठाएंगे, अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, सीधी रेखा में आकाश तक चले जाएंगे। आकाश से परम चैतन्य को बरसने देंगे। पूरे विश्व पे बरसा देंगे परम चैतन्य अपने चित्त से, पूरे विश्व अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया बरस रहा है परम चैतन्य, बरस रहा है परम चैतन्य। भीगने देंगे पूरे विश्व, पंच तत्वों में भी परमिट करेंगे। सबसे पहले धरा पे पृथ्वी तत्व, जहां जहां जमीन है, थल है, स्थल चित्त रखेंगे, परमिट कर जाएंगे। पृथ्वी तत्व में हम परमिट कर गए सब नेगेटिविटी का नाश। जल तत्व परमिट करेंगे, वायु तत्व परमिट करेंगे, अग्नि परमिट कर जाएंगे, आकाश परमिट करेंगे, और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं तारे सूर्य चंद्रमा सभी ग्रहों के साथ, सौर मंडल के साथ परमेट करेंगे, और ऊपर चलेंगे शून्य सरोवर में पंच तत्वों के परे, अंतरिक्ष के परे, श्री सदाशिव की साधे का कार्यक्रम,
पूरी तरह से योग घटित होगा। पूरी तरह से योग घटित होगा। धीरे धीरे डिटैच करेंगे। हे प्रभु आपको अनंत कोटि नमन इस योग के लिए। मेरे द्वारा हुए किसी भी गलती के लिए, अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। मन वचन कर्म हाथ पैर आँख कान वाणी जो भी अपराध हुआ मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से पर फिर से परम चैतन्य बरसा देंगे। जैसे ऊपर एक चरखी चल रही है, परम चैतन्य बरस रहा है, गोल घूम रहा है पूरे विश्व पे, देश पे, शहर पे। परम चैतन्य बरस रहा है हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे सबसे पास के लोगों पे। परम चैतन्य बरस रहा है, फेंकने देंगे सबको परम चैतन्य में। भीगने देंगे, बरस रहा परम चैतन्य, सबके अंदर की नकारात्मकता मुक्त हो रही है, सब मुक्त हो रही है। प्रेम से सबका हृदय भर रहा है, पूरे समाज में, पूरे शहर में फैलाएंगे अपने चित्र को, सबके सहस्त्रार और मध्य हृदय पे परम चैतन्य गिर रहे। आत्म साक्षात्कार का कार्य निरंतर करेंगे चित्त से। हे माँ हर हृदय में आप जागृत हो जाए, जहां भी हमारा चित्त जाए हमारे चित्त से उनकी कुंडलिनी शक्ति उठ जाए, परम चैतन्य प्राप्त। बरसा देंगे परम चैतन्य पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। धीरे धीरे वापस आएंगे अपने सहस्त्रार पे, माँ चरणों में नमन, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी आज के इस कार्य के लिए जो आपने हमसे लिया, आपको अनंत कोटि नमन। धीरे धीरे विशुद्धि में आएंगे, मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। इस स्वरूप ने हमें वो शक्तियां दी,
कि हमने यात्रा पूर्ण की। थैंक यू श्री माता जी, जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करते हैं। सबको जय श्री माता जी, 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 अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू आपके यंत्र का बहुत सुंदर ध्यान यात्रा। थैंक यू माँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू माता जी सभी को, जय श्री माता जी सभी को, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी एवरीवन, जय श्री माता जी एवरीवन।